नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड वन विकास निगम सॉफ्टवेयर के ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ई गवर्नेंस की दिशा में वन विकास निगम का यह एक अच्छा प्रयास है। वन उपजो एवं प्रकाश के लिए ई ऑक्शन प्रक्रिया से वन विकास निगम के कार्यों में तेजी आएगी। प्रकाश एवं वन उपज क्रय करने वालों को ई ऑक्शन प्रक्रिया होने से अनावश्यक परेशानी भी नहीं होगी। ई ऑक्शन की प्रक्रिया से वन विकास निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ई गवर्नेंस की दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है। ऑनलाइन माध्यम से लोगों को हर सुविधा मिले, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं एवं समय तथा धन दोनों की बचत होती है। कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने एवं समय की बचत के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक उपयोग जरूरी है। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेश परिहार ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा वनों के संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, लोगों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रकाश उपखनिज का उचित दरों पर आपूर्ति में योगदान किया जा रहा है। निगम द्वारा अपने 30 विभागों के माध्यम से वन क्षेत्रों में वैज्ञानिक वन प्रबंधन के दृष्टिगत सूखे उखड़े गिरे वृक्षों से प्रकाश का उत्पादन, उपखनिज चुगान एवं प्रकाश के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखंड वन निगम के प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार ने कहा कि इस डिजिटल पहल से वनोपज एवं प्रकाश के विक्रय में प्रगति आएगी। देश भर से क्रेता ई ऑक्शन के माध्यम से घर बैठे ही प्रकाश का क्रय कर सकते हैं। ई ऑक्शन कार्यवाही से प्रकाश की नीलामी की कार्यवाही, कार्य प्रणाली और भी तेजी आएगी। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब वनोपज एवं प्रकाश के विक्रय की कार्यवाही ई ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविंद्र दत्त, अपर प्रमुख वन संरक्षण श्री डीजे के शर्मा, डॉक्टर समीर सिन्हा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुरकर, उत्तराखंड वन विकास निगम के अपर प्रबंध निदेशक श्री के एम राव, महाप्रबंधक श्री निशांत वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आकाश वर्मा, श्री इंद्र सिंह नेगी, श्री उमेश त्रिपाठी, चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री हिमांशु चंद्रा, श्री शोभित वर्मा आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।